राजगढ़ के जीरापुर में बुधवार को पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं विधायक प्रियव्रत सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 50 बिस्तर हॉस्पिटल के स्थान परिवर्तन को लेकर राजनीतिक झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में नगर के विकास एवं नागरिकों को मिलने वाली सुविधा से वंचित किए जाने का कुंठित प्रयास है। विधायक श्री सिंह ने बताया कि 30 जनवरी 2019 को आदेश जारी कर 30 बिस्तर हॉस्पिटल रोगी कल्याण समिति द्वारा कराया गया था। इसी में 20 बिस्तर का उन्नयन करके तत्कालीन कलेक्टर निधि निवेदिता से चर्चा उपरांत 50 बिस्तरों का संशोधित आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2020 में स्वीकृत करवाया गया। इस प्रकार 50 बिस्तर हॉस्पिटल भवन हेतु सिविल अस्पताल के ठीक बगल में तहसील के पीछे परिसर की भूमि को चयनित किया गया, जहां पर निविदा टेंडर डलकर लगभग 5 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल निर्माण हेतु ठेकेदार को निर्माण कार्य स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका लेआउट भी डल चुका है। लेकिन राजनीति झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में स्थान परिवर्तन किए जाने जैसा मामला सामने आया। इसी को लेकर विधायक ने पत्रकार वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया एवं बताया कि तहसील परिसर के पीछे पर्याप्त स्थान एवं निविदा ड्राइंग उपरांत साजिश की जा रही है, लेकिन हॉस्पिटल 50 बिस्तरों का इसी स्थान पर निर्माण होगा। प्रेस वार्ता के बाद राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें ठेकेदार द्वारा शीघ्र निर्माण कार्य चालू कराने की मांग भी रखी गई। साथ ही ठेकेदार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते निर्माण कार्य को रोका है। विधायक ने कहा कि लेआउट डल चुका तथा मुख्यमंत्री ने पिपलिया कला में 50 बिस्तर वाले हॉस्पिटल का भूमि पूजन भी कर चुके हैं। हमने कड़ी मशक्कत करते हुए भूमि आवंटित करवाई, हॉस्पिटल भवन हेतु सारी प्रक्रिया पूरी करवाई, जिसमें लगभग 1.5 वर्ष हो चुका है, जिसके तथ्यात्मक पेपर पेश किए हैं जो रिकॉर्डेड है, लेकिन बेवजही स्थान परिवर्तन के नाम पर अवरोध पैदा किया जा रहा है। नगर के विकास के लिए लगातार प्रयासरत 10 करोड़ की लागत से ITI भवन में हॉस्टल के बनने हेतु स्वीकृति है, लेकिन शासन प्रशासन की मंशा नगर विकास में बाधक बनी हुई है। मुझे PIU के जी से मेरी कल बात हुई थी, गुड़िया जी से फोन पे, और मैंने उनसे प्रश्न किया कि अभी तक अस्पताल का कार्य क्यों नहीं प्रारंभ हुआ। तो PIU की ही ने मुझसे बोला कि वो कुछ अतिक्रमण है वहाँ पे, अतिक्रमण के कारण अस्पताल वहाँ पे बनाना अब संभव नहीं लग रहा है, और वो हम दूसरी जगह भी ध्यान में देख रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, प्रश्न किया कि मैंने दूसरी जगह तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर सुविधा युक्त जगह है और वहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं है। जितनी जगह में अस्पताल बनना है उतनी जगह में कोई अतिक्रमण नहीं है, आपको तत्काल वहाँ पे कार्य प्रारंभ करना चाहिए, कराना चाहिए। ये मैंने उनसे कहा और स्ट्रेस दे के कहा, मैंने बोला ये अनुचित होगा अगर आप इसकी जगह परिवर्तन करेंगे। तो उनने मुझे कहा, मैं सर मैं इसमें मैं क्या कह सकता हूँ सर। तो जिसकी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी फोन पे जो चर्चा का तरीका था, वो कहीं ना कहीं ऐसा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनको या तो प्रेशराइज कर रहा है या कोई ना कोई दिशा निर्देश उनके पास ऐसे आए हैं कि इसको यहाँ से अस्पताल को शिफ्ट कराया जाए। तो ये बात मेरे सामने आई। दूसरा, मुझे कुछ सोर्सेज से ये भी मालूम पड़ा है कि ठेकेदार के ऊपर भी दबाव है, या ठेकेदार स्वयं अपनी मर्जी से के कारण तो कुछ ना कुछ बताएगा ही, कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ, कोई ये तो नहीं कहता। कारण तो कोई ना कोई ऑफिशियली बताया जाता है कि भैया इसमें ये हो गया उसमें वो हो गया, रेट सीमेंट का बढ़ गया, रेट सरिया का बढ़ गया। तो अपने को टेंडर लेते समय भी मालूम था कि सीमेंट रेत का और सरिये का टेंडर की रेट बढ़ती है, ये तो ये हर ठेकेदार जानता है, ये कोई हर ठेकेदार के लिए कोई नई बात नहीं है। कोई भी ठेका लेता है तो वो समझता है कि अगर 2-4 महीने का मैं हेरफेर करूंगा, और इतने समय पहले वो जब सब कुछ कर चुके हैं, FD जमा कर चुके हैं और वो कर चुके हैं अपना एग्रीमेंट कर चुके हैं, या तो FD और एग्रीमेंट नहीं करते, पहले क्लियर हो जाता कि मैं इस रेट में काम करने में संभव नहीं है, छोड़ देता है। पर जब कोई FD और वो कर लेता है और उसके बाद फिर इधर उधर के बहाने बनाने लगे और कार्य में डिले हो, हाँ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुगाड़ तो होती है। अब वो किन कारणों से, तो वही लोग स्पष्ट कर पाएंगे किन कारणों से। इतने दिनों से आपको मैंने तारीख भी बताई है कब इसका इस सिविल अस्पताल का भवन स्वीकृत हुआ है, हाँ ऑर्डर है उसके साथ, 2 साल हो गए उस बात को, लगभग नहीं हुए होंगे तो हो जाएंगे। राजगढ़ से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट।